नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे उपस्थित है श्याम बंसल जी, तो ये जो है वो मुझे छोटी बहन मानते हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप हम बहुत अच्छे हैं जी। आप कहाँ पे रहते हो? हम गाजियाबाद रहते हैं, दिल्ली के पास, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश दिल्ली से आप बात कर रहे हो और आप हमारी इतनी सारी YouTube की वीडियो देख के आप ये सब कुछ सिस्टम हमारी फॉलो करते हो, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम था? आप कब से ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हो? मुझे ये प्रॉब्लम था 96 से शुगर की। ओके। उसके बाद बीपी आया जी, उसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम आया। ओके। और उसके बाद प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आया। ओके। और अभी मेरे टेस्टिस में पेन था। 24 दिन से मैं एनबीएस की डाइट फॉलो कर रहा हूँ जी। और मेरी जो जितनी भी टेबलेट हैं सब हट गई हैं 24 दिन में जी। और लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात किया था तो आपने कहा था 24 घंटे डाइट करो, ये जी अपक खाना खाइए। हाँ, जैसे मैंने अपक खाना खाया उस दिन तो मेरा जो है इंसुलिन गायब हो गया। ओके जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 68 प्लस। ओके। मैं रिटायर्ड हूँ, इंजीनियर हूँ, मध्य प्रदेश में काम करता था दूध की कंपनी में जी? और मुझे काफी प्रॉब्लम रहती थी जी? और मेरा वजन 5 किलो 6 किलो करीब कम हो गया है। अच्छा। और मुझे मेरी लाइफ मेरी एज 10 साल कम हो गई है। अरे वाह, और मुझे लगता है मैं 68 हो गया, छोटे हो गए आप। हाँ, अब मैं लगता है नौकरी करूंगी, जाके जॉब करूँ, अपना काम करूँ, ये मन करता है। जी 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 अभी अपने शरीर मैं आपसे के मिलने भी आऊंगा, अहमदाबाद मिलने भी आऊंगा आपसे। हाँ जी, हाँ जी, जरूर आइएगा। बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये सिस्टम फॉलो करके आपके शरीर के अंदर क्या फीलिंग होती है कि पहले पकाया हुआ खाते थे? मैं एनर्जेटिक बहुत रहता हूँ और मुझे नींद कम आती है और मैं एक्टिव रहता हूँ और मुझे टेंशन नहीं रहता और मेरी पल्स पहले 90-100 आती थी, अब मेरी जो पल्स है 72 आती है। मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, मेरी शुगर खत्म हो गई, इंसुलिन हट गई, दवाई 5,000 रुपए महीना खाता था मैं पहले, दवाई खत्म हो गई। और मेरी वाइफ वगैरह होम्योपैथी दवाई, कभी आयुर्वेदिक दवाई, कुछ ना कुछ चलता था जी। तो हमारे यहाँ सुनील गुप्ता जी हैं, उन्होंने मुझे एडवाइस किया ये वाली बात, तब से मैं उनको मानता हूँ। उन्होंने आपको एड्रेस दिया जन्ना पटेल डॉक्टर का, फिर मैंने लास्ट टाइम आपसे बात करी, आपने कहा 24 घंटे ये खाओ अपक, आपकी वीडियो देखते रहता हूँ रात को। जी सुनील जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने श्याम जी को ये हमारी वीडियो फॉरवर्ड की। वैसे ही हम बोलते रहते हैं कि आप करो या ना करो, लेकिन लोगों को फॉरवर्ड करो। कई कई बार ऐसा होता है कि देखो, आप जैसे यूपी के गाजियाबाद में हो तो दिल्ली में बैठ के भी आप ये वीडियो हमारी देख रहे हो। बाकी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कंसल्टिंग करना पड़ता है, 2-4 हजार रुपया का फीस देना पड़ता है, उसके बाद में हम ठीक होते हैं नहीं होते हैं, या तो फिर डॉक्टर्स ऐसे एडवाइस देते हैं कि 10 साल तक गोलियां खाओ या 50 साल तक गोलियां खाओ। लेकिन हमने तो यहाँ पे बैठ के सिर्फ वीडियो बनाई है। ये जरूरी नहीं है कि आपने वीडियो देखी है, लेकिन आपने वीडियो को फॉलो किया, हमने कहा आपने किया, अगर आप करते हो तो आपको जरूर से फायदा होता है। तो श्याम जी, आप एनिमा के बारे में भी बताइए। एनिमा मैं लेता हूँ डेली, शुरू शुरू में 2 बार लिया, अभी 1 बार लेता हूँ मैं, और शुरू शुरू में 2-3 दिन तो कुछ नहीं आया, उसके बाद ऐसा गंदा पानी आया जैसे नाले का गंदा पानी आता है जी, और कुछ प्लास्टिक जैसे पाइप निकले, पीस निकले। हाँ जी जी और इतनी बैड स्मेल आती थी कि हमें मतलब वॉमिटिंग होने की टेंडेंसी थी जी, हमें यकीन नहीं होता कि हम अंदर से इतने गंदे हैं जी, सच बात है। तो एनिमा बहुत हेल्पफुल है और एनिमा से मेरा वेट भी कम होने लगा और मजा आता है। और एनिमा लेने में शुरू में थोड़ा डिफिकल्टी था, मुझे आता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों से हेल्प लेके अब एनिमा के बिना मजा ही नहीं आता अब तो। और मुझे कॉन्स्टिपेशन था जी, और मुझे कोलेस्ट्रोल की खाता था, ब्लड थिनर की खाता था मैं, प्रोस्टेट की खाता था, मतलब मैं सुबह शाम तक, मेरी वाइफ जो है ना मेरी सेवा करती रहती थी, हर एक घंटे। कितनी गोलियां खाते थे पूरे दिन में? करीब करीब 12 जी, तो 12 14 प्लस। अच्छा। होम्योपैथी एक्स्ट्रा, होम्योपैथी R21 R24 जी, वो सब खत्म जी, तो 14 गोलियां। गोली
अच्छा 14 गोलियां बंद कर दी है आपने जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग इतना डर रहे हैं कि गोली नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो हम ये बोलते हैं कि अंगूर है उसको गोली बना दो उसको ही खाइए, अनार को गोली बना दो उसको ही खाइए, केले को अपनी मैंने मैंने जिंदगी में ग्रेप्स का जूस नहीं पिया। अच्छा जी, अब कैसा डॉक्टर पीते ने हो दिया, जी, अब अब तो कितना पीते हो दो गिलास एक गिलास पीते रहते हैं। जी, बहुत शलगम, शलगम अच्छा। शलगम में कहते, माय वाइफ कहती थी इसमें शुगर है शलगम में, और मैं हाँ शलगम का सूप पीता हूँ, जूस जी पीता हूँ। जी गन्ने का भी जूस पी सकते हैं, मैंगो खा सकते हैं, कितनी मीठी भगवान ने मैंगो बनाई है, पूरा सुगर का डब्बा भगवान ने खाली कर दिया है मैंगो के अंदर, और हम डर रहे हैं कि सुगर हो जाएगी, सुगर हो जाएगी। मैंगो खाए हुए थे मैं 20 साल हो गए, अच्छा 20 साल खाऊंगा। मेरी वाइफ खड़ी हाँ है, कह रही है आपकी आपने लॉटरी खोल दी। जी जी बहुत अच्छी बात है, आपकी वाइफ को भी बताइए, उनके भी उनको भी हम शाबाशी देंगे कि इतने सारी दवाइयां बंद करवा दी है। हाँ देखिए उनका फोटो देख लीजिए आप। हाँ जी हाँ जी, हेलो कैसे हो? हाँ जी बहुत फाइन, मैं एक दिन कह रहा था आपको वाइफ, धन्यवाद मैं कह जी रहा था वाइफ से एक दिन कि अगर तुम चली गई तो मेरी सेवा कौन करेगा, जी और 2 घंटे 1 घंटे किसी के बस की नहीं है। जी हमने कहा जी आपने तो इनकी लाठी खोल दी बंद आपकी जी जी बहुत 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 अच्छी बात है, हमने तो कहा आपने करके दिखा है। बाकी के घर में तो ऐसा होता है कि आपको रोटी सब्जी दाल चावल खाने ही होंगे, आपको चाय पीनी होगी, आपको दूध पीना ही होगा, दवाई खानी होगी, चाहे पेशेंट मर जाएगा तो चलेगा लेकिन दवाई खानी होगी। तो आपकी वाइफ का नाम क्या है? सल्ला बंसल SARLA सल्ला। ओके जी सरला जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप खाना पकाओ मत और इनको खिलाओ मत, और आप भी भगवान का बनाया हुआ अमृत भोजन खाइए, तो बहुत सरल है, सरला बहन जो है वो दीदी बहुत सरल है जी और जी मेरा गैस का बिल मेरे ऊपर 0 हो गया, मेरे लिए अच्छा गैस पे काम ही नहीं होता। अच्छा जी, दवाई का बिल 0, ब्रेड अरे 0, बटर 0, घी 0, दूध 0, चाय 0। आई जी एम सेविंग मनी नाउ। कितना सारा खर्चा बच गया। लोग बोलते हैं कि एनडीएस खर्चा ज्यादा है, 10-10 हजार की गोलियां लेते हैं तब खर्चा नहीं लगता है, और जब फल लेने जाते हैं तो बोलते हैं महंगा पड़ता है। तो ये तो है, वो भगवान का बनाया हुआ है, चाहे 10 रुपए में मिलता है या 20 रुपए में मिलता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हजार हजार रुपए का महंगा फ्रूट लाओ, आप कम से कम सस्ता है 20 रुपए का केले आते हैं वो ले सकते हो, 20 रुपए का टमाटर आता है वो भी ले सकते हो, कच्चे आलू भी 20 रुपए के खा सकते हो, आप 1 किलो कच्चे आलू ला जाते हैं 20 रुपए में, तो वो भी आप उसके ऊपर नमक डाल के या फिर मसाला मिर्च डाल के, नींबू डाल के, धनिया डाल के आप कच्चे आलू भी खा सकते हो। तो लोग बोलते हैं कि ये महंगा है, ये महंगा नहीं है, हॉस्पिटल में जाते हैं ऑपरेशन का 3-4 लाख का खर्चा हो जाता है, तो इससे तो अच्छा है कि भगवान का बनाया हुआ खाए जी। श्याम जी, आप अपना अनुभव बताइए कि आपने ये सिस्टम किया और जब पहले खाते थे और अब नहीं खाते हो, तो उसके बीच में आपको क्या क्या फीलिंग क्या होती है वो बताइए फीलिंग ये होती है, पहले मैं जंक खाता था, जंक जी मैं प्लांट फूड खाता हूँ, पहले मैं प्रोसेस फूड खाता था, जी उसमें कंपनियों का मैं काम कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग करता था, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट वो खाता था मैं, जिसमें अच्छा प्रिजर्वेटिव होते थे जो हेल्थ के जी लिए नुकसान देते थे। तो मतलब लाइफ बहुत सिंपल हो गई, आप देवदूत बन के आए हैं हमारी लाइफ में, देवदूत जी भगवान जी भगवान के दूत बन के आए हैं। थैंक यू थैंक यू, भगवान तो ऊपर है जो हमें प्रेरणा देता है कि हम आपको सबको बताए, गाइड करे। हम हर रोज वीडियो बनाते हैं, 365 डे 365 वीडियो बनाते हैं, ये ईश्वर का जो माँ सरस्वती है उसकी कृपा है हमारे पे कि हम बोलते हैं। जब आपका फोन आया मुझे ऐसा लगा श्रीमान मोदी जी का फोन आ गया। अरे वाह जी, नरेंद्र मोदी तो पूरे देश चलाते हैं, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि पूरा विश्व जो है वो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हो जाए, किसी को मोटापा नहीं होना चाहिए, किसी को दवाई नहीं खानी पड़े जी, बताइए। मैं काफी लोग जोड़ रहा हूँ, एक नागपुर के हमारे मित्र हैं, उनको हाँ मैंने ऐड किया ग्रुप में, हमारा जो ग्रुप ओके चलाते हैं CSR के गुप्ता जी ओके हैं यहाँ दिल्ली में, जी उसमें लोगों को मैं ऐड कर रहा हूँ। जो भी जी आदमी मुझे मिलता है जान पहचान का, बीमार है या मोटा है, फैटी है, परेशान है, दवाई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मैं उसमें ऐड उससे रिक्वेस्ट करके उसको ऐड कर देता हूँ, जी जी और स्टार्ट करते हैं हम विद इन जूस से। जी बहुत अच्छी बात है, आप और पूरे
16 घंटे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आई कैन वेट 17 आवर्स ऑल्सो। अच्छा, पहले क्या था डॉक्टर ने बोला था 2 घंटे भूखा नहीं रहना है, नो फीस्ट नो फास्ट। हाँ हाँ जी, 16 घंटे मजा आता है एकदम। अच्छा, शुगर के पेशेंट इतने डर जाते हैं कि जेब में भी बिस्किट रखते हैं या जेब में चॉकलेट रखते हैं, और हम तो जो है वो 16 आवर्स तक कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर भी चक्कर नहीं आते। लोग इतने डर गए हैं डॉक्टर से कि चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ईश्वर पे विश्वास रखो, ईश्वर का बनाया हुआ खाओ। घर में किचन को लॉक कर दीजिए, तब हमारा पेट जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर और पहले पता होता मैं मजा आया गया होता, और ये दवाइयाँ डॉक्टर ने मुझे, देखिए मेरा तो एक स्किन स्पेशलिस्ट है 1000 रुपए का जी। एक मेरा शुगर स्पेशलिस्ट 1000 रुपए का। अच्छा। एक फिजिशियन 1000 रुपए का जी। एक शुगर स्पेशलिस्ट अलग है, शुगर फिजिशियन स्किन और मतलब प्रोस्टेट का अलग है, यूरिन का अलग है मुझे। हाँ एक और बताया मैंने, मुझे बड़ा फ्रिक्वेंटली होता था यूटीआई जी, मेरी टेस्टिस जो है वो स्वेलिंग आती थी वो बंद हो गई। अच्छा, पेन होता था और डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन भी नहीं इलाज है, ऑपरेशन करवा लिया तो जरूरी नहीं सक्सेस हो जाए आपका जी। और मुझे वेरिकोसील थी जी, जो वेरिकोवेंस होती है वो टांगों में होती है, वेरिकोसील होती है जो टेस्टिस के पास होती है वो बढ़ जाती है, डॉक्टर कहता कोई इलाज नहीं है, वो वेरिकोसील में ठीक हो गई जी। असंभव संभव हो गया। हाँ, असंभव संभव हो गया। बहुत सारे लोगों को वेरिकेन वेन्स होती है तो पांव के ऊपर पट्टियां लगा देते हैं और वैसे जो स्किन टाइट मोजा आता है वो पहनते हैं, वो मोजे जो होता है वो भी 2000 का 5000 का आता है, उसकी दवाई भी 2000-5000 की आती है, फिर भी उसको नहीं ठीक होता है, फिर वो सर्जरी करवाते हैं फिर भी ठीक नहीं होता है। लेकिन लोग समझते नहीं है, गोली खा खा करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन फल नहीं खाते हैं, जूस नहीं पीते हैं। आपको कौन सा जूस पसंद है? हमको देखो जी, हमें तो जो नेचर दिया है, मैं ऑरेंज का लेता हूँ, कीनू लेता हूँ और ग्रेप्स लेता हूँ। ग्रेप्स दो तरह के आते हैं इधर दिल्ली साइड में जी, कीनू है, सब अच्छा लगता है मुझे। और सुबह से लेके रात तक की आपकी दिनचर्या बताइए, क्या क्या खाते हो, क्या क्या करते हो? सुबह मैं 11 बजे खाता हूँ, पीता हूँ 2-3 गिलास ग्रीन जूस। ओके। उसमें पालक, धनिया, पुदीना और आंवला। आंवले का मैं बहुत शौकीन था, मैं बुलाता था हर बार एक पाव, वाइफ से कहता भी आंवला खवाओ, वो आंवला वेस्ट जाता था, कैसे खाए आंवला। अब वेस्ट जाता, अब हम 2.5 किलो आंवला लाते हैं। हाँ जी, और कंज्यूम हो जाता पूरा पूरा, थोक के व्यापारी हो गए हम। अच्छा, फिर यहाँ जो आंवला है ना बहुत सस्ता बिकता है, 40 रुपए किलो। अच्छा, ग्रेप्स 40 रुपए किलो। अच्छा, तो अगर 1 किलो ग्रेप्स खा लिए मैंने 40 रुपए के, मेरा खर्चा खत्म कर दिया मैं तो अपना। हाँ, लंच पूरा फिनिश हो गया, नहीं तो फिर रोटी बनाओ, दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, पूरा प्लेटफॉर्म खराब। और अभी तो सिर्फ 1 kg ग्रेप्स लेके बैठ जाओ, लंच फिनिश। बस अगर मेरी वाइफ भी कहीं जाए पिकनिक पर 2-3 दिन के लिए, मम्मी के जाए, तो मैं मैनेज कर लूंगा इस काम को। हाँ, जो ग्रेप्स ही खाने हैं मैं लाऊंगा, खा लूंगा। हाँ, पहले तो मुझे डिपेंडेंट था, पकाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा जी। कुदरत ने हमारे लिए पकाया है। पपीता, पपीता मैं खाता हूँ 500 ग्राम करीब, 400-500 ग्राम पपीता खाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर ने बोला पपीता ज्यादा मत खाना, एप्पल ज्यादा खाना जी, एप्पल शाम को सुबह खाना, पपीता शाम को खाना। हाँ, अब तो ये मेरा मर्जी है, मैं फ्रीडम हो गया, जो मर्जी खाता हूँ मैं। हाँ, फ्रीडम वाली लाइफ हो गई। शाम को डिनर में क्या लेते हो? डिनर में लेते हैं ये जो वेजिटेबल का सूप लेते हैं। अच्छा, शलगम है, खीरा है, ककड़ी है, ओके, टमाटर है जी, और एक दो चीज और क्या है, अपक लेते हैं, जो लेते हैं अपक। अच्छा, पका हुआ नहीं जी। जी, तो जितना भी सूप बनाते हो वो भी सारा अपक वही बनाते हो? हाँ, और... सब अपक, अपक ना। जी जी जी, कितनी अच्छी बात है कि लोग जो है वो पूरे दिन खाना पकाने में बिजी हो जाते हैं और फिर हॉस्पिटल में बिजी हो जाते हैं, और आप एकदम फ्रीडम फील कर रहे हो। और आपके वाइफ जो है वो भी कच्चा खाते हैं? उन्होंने अभी शुरू नहीं किया है, उनको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, वो ग्रीन जूस पीना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, चलो। मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। अच्छा, और मेरा ग्रैंडसन जो है आज लास्ट पेपर था 11th का उसका। अच्छा, बाबा मैं कल से मैं भी आऊंगा इस लाइन में। अच्छा,
जी धीरे धीरे ऐसा होता है कि हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन जो होते हैं वो सबको पॉजिटिव कर देंगे, तो हमारे घर में जितने भी सदस्य है वो भी आज नहीं तो कल ये सिस्टम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम तो हमारी नहीं है, परमात्मा की बनाई हुई है। ईश्वर सबके लिए खाना बनाता है, चींटी के लिए भी भगवान ने खाना बनाया है, बंदर के लिए बनाया है, कौवे के लिए बनाया है, तो हाथी के लिए बनाया है। तो क्या हम भगवान के दुश्मन थोड़ी है कि जो हमारे लिए भगवान ने खाना नहीं बनाया। ढेर सारे टमाटर लेके बैठ जाइए, पेट भर के खाइए, क्या रोटी क्या सब्जी, ये जो है वो जीभ का टेस्ट है। ये जो जीभ का टेस्ट है वो यहाँ तक सीमित है, लेकिन हॉस्पिटल तक ले जाता है। तो जीभ को भूल जाइए और शरीर में जितने सारे ऑर्गन है वो सारे ऑर्गन को स्वस्थ रखना है, तो हमें ये सिस्टम करना होगा। जी श्याम जी, आप यूपी के या फिर आप दिल्ली के जितने भी लोग हैं या पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं उनको क्या संदेशा दोगे? देखिए, मैंने संदेशा एक तो ये देना है, मेरी मेड है दीना, उसका जो है 3 हफ्ते में 5 kg वेट कम हो गया। ओके, उनको भी हेल्प कर रहे हैं। मेरी बेटी अमेरिका में रहती है, उसको बीपी की प्रॉब्लम थी, बीपी गोली खत्म हो गई उसकी। अरे वाह क्या बात है, अमेरिका में बैठ के भी ठीक हो गए। हाँ, जर्ना जी का जो काम है ये हेल्थ हेल्थ भी लो वेल्थ भी लो। जी, आपकी बेटी का नाम क्या है? निधि सारस्वत, निधि NIDHI निधि। जी निधि जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम कि आप हमारी वीडियो अमेरिका में बैठ के देखते हो और आपके पापा और हमारा कहना मानते हो। तो निधि जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया कि आप ये सिस्टम को फॉलो करते हो। पूरे अमेरिका में भी हमारी सारी वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिए कि ताकि सारे लोगों की हॉस्पिटल या दवाई का खर्चा बंद हो जाए। जी बताइए। मैं तो आपका ऑब्लाइज हूँ, चरण स्पर्श मुझे आपके करने चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम है डॉक्टर के ना, हम पैर छूते हैं। जी, बेटी अमेरिका से आती, पैर छूते हैं उसके। अच्छा जी, बेटी हमारी लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी होती है। बहुत अच्छे संस्कार है आपके, बहुत अच्छे, आपके भी चरणों में सत्सक प्रणाम। दूध और दूध की प्रोडक्ट आप लेते हो बंद कर दिया है, आप तो दूध के फील्ड से जुड़े हुए थे 58 साल तक, तो मिल्क की प्रोडक्ट के बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं वो हमारी लैक ऑफ नॉलेज थी, हमें नॉलेज नहीं थी। मेरे घर पे भी गाय भैंस होती थी। अच्छा। हमें वो पूर्वजों ने बताया था गाय का दूध पियो, भैंस का दूध पियो। हाँ, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, ये तो गाय के बच्चे के लिए दूध है, उसका बच्चे का दूध हम ले लेते हैं बेचारे का। जी, हमें तो पीना ही नहीं है जी। कोई भी एनिमल किसी भी एनिमल का दूध नहीं पीता, शेर भी जो है गाय का, गाय को खा सकता है, गाय का दूध नहीं पीता शेर। जी, तो ये हमें गलत धारणा है। हाथी कितना मजबूत है घास खाता है, गधा कितना मजबूत है घास खाता है, गाय कितनी मजबूत है घास खाती है। और मेरा अभी रिपोर्ट आई है, मेरी रिपोर्ट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम जितने भी हैं सब परफेक्ट हैं। अरे वाह जी। और मेरा जो वो है क्या, होमोग्लोबिन ठीक है, और जो रिपोर्ट होती है हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल वो 200 है, 200 से कम, मेरे 100 से कम आ गया। अच्छा, डॉक्टर ने कहा कोलेस्ट्रॉल दवाई बंद कर दो आप। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने अपना अनुभव बताया, और आप वैसे ही हमारी वीडियो देखते रहो और सभी लोगों को फॉरवर्ड करते रहो, और आप हमेशा जब तक जिंदा रहते हो तब तक स्वस्थ रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाओं के साथ। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो, मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो, और यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जिसके ऊपर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके मिल भी सकते हो। और अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए या फिर हमारी ऑर्गेनिक कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है उसके ऊपर भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो श्याम जी आपका बहुत बहुत आभार। एक लास्ट बात, हमारे मित्र हैं नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, उनका हॉस्पिटल है पाइल्स का। ओके, वो बताए थे पाइल्स जो होती है, अब हम पाइल्स वालों को ये खाना बता रहे हैं तो दोबारा उनको पाइल्स नहीं होती है फिर, अदरवाइज पाइल्स रिपीट हो जाती है। अच्छा, हमने डॉक्टर अपने पेशेंट को बताते हैं डाइट लो, और जो लोग डाइट लेते हैं उनको दोबारा जिंदगी में पाइल्स होती ही नहीं है। जी जी जी, सच बात है। बाकी पाइल्स ऐसा रोग है कि 20-25 साल तक जाता नहीं है, और अगर ये सिस्टम कर ले तो चुटकी में चला जाता है और सब कुछ क्योर हो जाता है। कोई भी रोग हो, पूरे विश्व का कोई भी रोग हो, सारे रोग क्योर हो जाते हैं।
मेरा कॉन्स्टिपेशन था, कॉन्स्टिपेशन इज द रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, शुगर इज द मदर ऑफ ऑल द डिजीज, सब खत्म, जीरो, 24 दिन में। वाह क्या बात है, चमत्कार कर दिया 24 डेज में। मैजिक, यू आर मैजिशियन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।